हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकप्लस। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी और आप मुझसे सीखते हैं केमिस्ट्री। लास्ट दो क्लासेस में मैंने आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था। सेकेंड क्लास में मैंने बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करने कंपाउंड्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। आज हम उनकी एप्लीकेशंस देखने वाले, तो कुछ बेस्ट एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, जिस प्रकार के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक एक करके देखेंगे और एरोमेटिसिटी कितनी हजारों जगह पे वो अप्लाई होता है। एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इतनी जगह अप्लाई होता है। सारी एप्लीकेशंस देखने वाले ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा ओपन हो एरोमेटिसिटी को लेके। लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। अब आपसे सिंपल पूछा है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पूरी इसकी क्या पता होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर, राइट। सेकेंड कंडीशन वॉज व्हाट, सेकेंड कंडीशन सारे के सारे एटम्स जो साइकिल में है वो होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। थर्ड कंडीशन वॉज कि मॉलिक्यूल आपका होना चाहिए प्लेनर इन नेचर, एंड ऑल्सो द फोर्थ कंडीशन कि वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, विच वॉज योर हकल्स रूल। तो ये जो चार कंडीशंस जो मॉलिक्यूल सैटिस्फाई कर रहे हैं वो एरोमेटिक हो गए। एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज साइक्लिक। बट क्या सारे इसमें एटम्स साइकिल के एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नो, बिकॉज दिस कार्बन हियर इज sp3, सो दिस इज आउट ऑफ द रेस, सो ए इज द रॉन्ग आंसर। बी इज द बेंजीन रिंग। बी तो डेफिनेटली है एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, दिख रहा है। सारे कार्बन एटम्स इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि सभी डबल बॉन्डेड है। ये प्लेनर भी है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? दिस इज अ 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलोइंग द हकल रूल, देयरफॉर दिस इज फॉर श्योर एरोमेटिक। सो बी लुक्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन। बाकी देखते हैं सी ऑप्शन में। बच्चा, एक साइक्लोपेंटेन की रिंग है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये वाला चीज पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब क्या ये 4n+2π रूल फॉलो कर रहा है? यस, कर रहा है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1, 2, 3, कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट बच्चा, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड वंस अगेन। तो सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? एरोमेटिसिटी में। क्योंकि मैंने बोला था जब भी किसी एटम पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो पार्टिसिपेट करता है एरोमेटिसिटी में अगर उससे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड होती ना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, अभी ये करेगा। तो दिस इज अ 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। डी ऑप्शन देखो, डी में मैम साइक्लिक है, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। थर्ड प्लेनर भी है, बट मैम ये तो केवल 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। इसमें केवल 2π बॉन्ड्स है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो मैम ये तो मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इजंट इट? दिस इज योर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो देयरफॉर द ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड सी। तो दो करेक्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन योर स्क्रीन। अब पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये पूछा है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड वो होता है जो इजीली क्या दे देता है? H+ आयन, इजंट इट? उसको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलती हूँ। एसिड क्या है? जो इजीली H+ दे देता है। अब मैं कैसे जज करूंगी मॉलिक्यूल को देख के कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो बच्चा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई AH करके कंपाउंड है, उसने जैसे ही अपना H+ दिया तो खुद क्या बन गया? A-। तो किसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा? तो एसिडिटी विल डिपेंड ऑन, यहाँ पे लिख रही हूँ, एसिडिटी depends on stability of conjugate base। क्या है? ये एसिड है क्योंकि इसने H+ दे दिया। जो H प्लस देता है वो एसिड है, तो ये वाला तो मेरा कोई एसिड हो गया। ठीक है, अब एसिड H प्लस देख के जब उसपे माइनस चार्ज आ जाता है तो उसको मैं बुलाती हूँ कॉन्जुगेट बेस। क्या बुलाती हूँ? कॉन्जुगेट बेस, ये बुलाती हूँ मैं। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर आपका एसिड होगा। तो आप देखो फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड को मैं देखती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में तो मुझे स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही, तो नॉर्मल हेक्सेन है। मुझे पता है कि नहीं, हेक्सेन भी नहीं, ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन तो क्या है, मुझे पता है एसिडिक होता ही नहीं है मैम, ये तो एकदम नॉन पोलर कंपाउंड है। बी ऑप्शन देखो, B अगर यहां से मैं कहीं से H प्लस निकाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने H प्लस निकाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज या रेजोनेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्रू रेजोनेंस स्टेबल होगा। थ्रू रेजोनेंस, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में बनते हैं और जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, लोन पेयर में। तो जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर बनता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो रेजोनेंस भी एक क्या है, स्टेबलाइजिंग स्टेट है। रेजोनेंस के बारे में एक अलग से मैं क्लास लूंगी, अच्छे से समझाऊंगी, बट एक बार आप यहाँ ये समझ लीजिए। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखो, सी में यहाँ पे दो H लगे हुए, राइट। अगर मैंने एक H यहाँ से हटा दिया तो जैसे ही एक H यहाँ से हटाया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इजंट इट। तो अब देखो ये कैसा कंपाउंड हो गया मैम, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। तो इसका मतलब मैम दिस इज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। और मुझे पता है कि एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो बच्चा ये तो कभी बनाएगा ही नहीं, समझ आ रही है, ये तो अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो ये तो कभी बनाएगा ही नहीं किस केस में कि मैं एरोमेटिक। तो ये अपनी हाइड्रोजन कभी देगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन देके ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है जिससे वो अनस्टेबल हो रहा है, तो ये कभी नहीं बनेगा। अब लास्ट कंपाउंड रह गया चेक करना, ये देखो डी। अब यहाँ से एक H यहाँ लगी थी, एक H यहाँ लगी थी, राइट। अब यहाँ से एक H मैं निकाल देती हूँ तो क्या होगा, जैसे ही H प्लस मैं निकालूंगी यहाँ से तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज आते ही क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया है मेरा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, विच इज योर एरोमैटिक सिस्टम। हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने क्या बताया था स्टेबिलिटी के बारे में कि एरोमैटिक कंपाउंड्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, इनसे ज्यादा स्टेबल कोई होता ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी मुझे समझ आ गई कि मैम जैसे ही H प्लस दे देता है वैसे ही एरोमैटिक में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये चाहेगा नहीं कि मैं जल्दी से H प्लस दे दूं, तो इसीलिए ये होगा आपका मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, क्योंकि ये चाहेगा कि मैं जल्दी से H प्लस दे दूं ताकि उसके बाद मैं बहुत स्टेबल बन जाऊं। तो जो H प्लस देने के बाद बहुत स्टेबल बन जाता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। समझ आया? एसिड की डेफिनेशन क्या आती है, जो इजीली H प्लस दे दे। अब ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि H प्लस देने के बाद वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो अगर बहुत स्टेबल बन रहा है, जैसे यहाँ एरोमेटिक बन गया, तो वो क्या हो गया आपका मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अंडरस्टूड? एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कैसे होते हैं बच्चा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है विच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। क्या है, किसके पास सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, ये आपका सवाल है। तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए आपके पास ये सब बने हुए हैं। इनॉल कंटेंट क्या होता है बच्चा, दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती है कीटो, एक होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोला जाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसको इजी का मतलब बता देती हूँ, इजीली कैसे आइडेंटिफाई करनी है चीजें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन लगा दें, यहाँ कार्बन बना दें, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जब OH ग्रुप लगा होता है, क्या बोला है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे जब OH लगा होता है तो वो OH इतना स्टेबल नहीं होता, इंस्टेड वो बच्चा कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका इस प्रकार से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है और फिर H प्लस उठ के यहाँ पे चल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो COH था ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बन जाती है। मैंने दूसरी साइड लगा दी है तो आप इसको इसी साइड इस प्रकार से लगाएंगे तो बेटर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज योर अल्कोहल ग्रुप। OH होता है अल्कोहल ग्रुप और ये जो एल्कीन बनी हुई है यहाँ पे है ना, ये अल्कोहल ग्रुप है और ये एल्कीन है, इसीलिए इसको बोला जाता है ईन। ईन क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एल्कीन होती है ईन, और क्योंकि अल्कोहल है उसके साथ में तो इनॉल। और ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज योर कीटो ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कीटो। तो दिस इज योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मैंने क्या बोला कि जब डबल बॉन्ड के ऊपर OH लगा होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है, वो अनस्टेबल होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इस प्रकार से कीटो फॉर्म में। फिर से बोल रही हूँ, ज्यादातर केसेस में अनस्टेबल होती है, कभी कभी वो स्टेबल होती है, जैसे कि हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे देखो, विच वन हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, इनॉल। और देखो सारी जो एग्जाम्पल से रखे आपको, ऑप्शन से रखे, सारे कीटो फॉर्म्स है ना, कीटो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, सारे कीटो फॉर्म्स से पूछा कि सबसे स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा होगा। तो वेरी सिंपल, जब भी ऐसा गेस करना हो तो क्या गेस करना है, कहीं पे भी देख लो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, अगर कहीं पे भी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म। जैसे कि यहाँ मुझे देखते ही पता चल रहा है कि जब मैं C को, कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, जैसे कि इसको मैंने इनॉल फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट करा, इस प्रकार से लिखा। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड O था ना, इसको OH बना दिया और इसी के साथ में लगा दी डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इसको OH बना दिया और इसी के साथ लगा दी डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इसको OH बना दिया और इसी के साथ लगा दी डबल बॉन्ड। इजंट इट, अब मैंने क्या बना दिया, ये बनाया मैंने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, बनाया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सारे आटम्स हैं जो इसके पास, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट क्या है, ये हक्कल रूल भी फॉलो करें, क्यों, क्योंकि ये हो गया 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्लेनर भी है। So this is now your aromatic enol compound, है कि नहीं, aromatic enol। तो बच्चा इस केस में अब enol form ज्यादा stable है, क्यों, क्योंकि ये aromatic compound बना रहा है, तो इसीलिए highest enol content इसमें होगा। ये क्या बोल रही हूँ बच्चा, ये हमेशा कैसे रहते हैं, ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, enol form एंड keto form। तो क्या होगा, कभी कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, अगर 90% कीटो फॉर्म होगा, कभी 10% इनॉल, तो कभी क्या होगा 90% इनॉल फॉर्म होगा और 10% कीटो फॉर्म होगा। तो एक दूसरे के क्या है बच्चा, ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है तो 95% ये इनॉल फॉर्म में रहेगा, इसीलिए हाईएस्ट इनॉल कॉन्टेंट इसमें होगा, क्योंकि इनॉल फॉर्म में ये रह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी तक हमने सीखे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, दूसरी चीज सीखी थी कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। उस स्टेबिलिटी के पीछे हजारों एप्लीकेशंस आ गए एरोमेटिसिटी की। फर्स्ट क्या देखी थी, फर्स्ट हमने देखा था कि मैम एसिडिटी भी डिपेंड कर रही थी एरोमेटिसिटी पे, कर रही थी ना। जैसे ही H प्लस गया और जो नेगेटिव आयन, देखो पीछे वाला क्वेश्चन, जैसे ही H प्लस गया जो मेरा अनायन बना वो एरोमेटिक बना, इसीलिए ये मोस्ट एसिडिक हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, कीटो इनॉल फॉर्म। मैंने सिखाया कि जब भी एल्कीन पे OH लगा होता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो इस प्रकार से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली कीटो फॉर्म स्टेबल होते हैं, बट कभी कभी जैसे कि यहाँ इस केस में इनॉल फॉर्म स्टेबल है, मतलब इनॉल फॉर्म ज्यादा मात्रा में बनेगा। क्यों, क्योंकि बच्चा इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो एरोमेटिक इनॉल फॉर्म आ गया। ठीक है, एरोमेटिक बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी, व्हिच, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन व्हिच शोज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। आपसे पूछा गया कि किसके पास सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। तो बच्चा डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव में रहना चाहता है, राइट। डाइपोल क्या होता है? जैसे ही मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन गए उसको मैं बोलती हूँ डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, सिंपल। अब ये बोल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, तो बच्चा क्या कर रही हूँ मैम यहाँ पे तो सारी डबल बॉन्ड्स बनी हुई है, मैं कैसे बताऊं कौन सा ज्यादा डाइपोल मोमेंट बताएगा? तो वेरी इजी, अगेन यहाँ पे एरोमेटिसिटी चेक करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। ये देखो यहाँ पे ये बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। जब भी डबल बॉन्ड आ जाती है उसको बीच से ब्रेक करते हैं और उसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि किसी एक के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, किसी दूसरे के पास पॉजिटिव, और ऐसे आए कि कोई दोनों की दोनों रिंग्स या एक रिंग उनमें से एरोमेटिक बन जाए। जैसे कि अगर इसको मैंने तोड़ा, एक इधर गया, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इधर गया और इधर पॉजिटिव आया, ठीक है। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैम ये तो एंटी एरोमेटिक रिंग बन गई और ये वाली मेरी एरोमेटिक रिंग बन गई। बनी कि नहीं बनी? क्योंकि इस पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज योर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या ऐसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ऐसे तोड़ के क्या बन रही है? एंटी एरोमेटिक बन रही है। तो मैं क्यों चाहूंगी कि मैं अनस्टेबल बन जाऊं? तो ये चाहेगा ही नहीं कि मैं डाइपोल बनाऊं, मतलब मैं ब्रेक हूं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला क्या होगा? ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, तो इस प्रकार से इसका डाइपोल बना सकती हूँ मैं। ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से ये एरोमेटिक तो नहीं है, हाईएस्ट कंपाउंड नहीं होगा। मुझे डी ऑप्शन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ दो अलग अलग रिंग्स हैं, यहाँ पे फिर से दो साइक्लोहेक्सेन की रिंग्स है, पर यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपीन है और एक क्या है, एक साइक्लोपेंटेन बना हुआ है। अब देखो इस बॉन्ड को मैं इस प्रकार से तोड़ती हूँ कि मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या किया? डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है कि किसी एक पे पॉजिटिव आए, किसी एक पे नेगेटिव। अब देखो जो ये मेरी पेंटेन वाली रिंग है, पेंटेन वाली साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे देखो ये कितना है, दिस इज योर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। सिमिलरली जो साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, दैट इज इट, एक डबल बॉन्ड है। मतलब ये कैसा हो गया? दिस इज योर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज योर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हुआ? एवरीबडी अग्री टू दैट? यहाँ पे पूछा था कौन सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट बताएगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कौन सबसे ज्यादा बताता है बच्चा? जब ये देखो इस प्रकार के कंपाउंड देते हैं ना जिसमें दो रिंग्स के बीच में डबल बॉन्ड है। बहुत बार आई ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बस डबल बॉन्ड को बीच से इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों की दोनों रिंग्स मेरी एरोमेटिक बन जाए। जिस भी केस में मेरी दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन रही हैं, अब ये वाला मैंने इसको यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसको नहीं दिए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन साइक्लोप्रोपेन को दे देती तो क्या हो जाती? वो रिंग तो एंटी एरोमेटिक हो जाती। तो इसीलिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि दोनों की दोनों एरोमेटिक हो जाए। वो आपके ऊपर है, आपको कर करके देखना है। यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको सारे, तो नेगेटिव चार्ज आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों की दोनों रिंग्स कैसी हो गई? मेरी एरोमेटिक हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? एरोमेटिक हो गई, स्टेबल हो गई। तो मतलब क्या है कि जैसे ही मैं डाइपोल में बदल जाऊंगी, जैसे ही ये कंपाउंड डाइपोल में बदलेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। तो ये क्या चाहेगा नहीं कि मैं डाइपोल के फॉर्म में रहूं? ऑफ कोर्स चाहेगा, क्योंकि डाइपोल बनके, पॉजिटिव नेगेटिव बनके ये स्टेबल हो रहा है। इसीलिए बच्चा ये हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट भी शो करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं समझ लीजिए, सीख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वजह से एरोमेटिसिटी आया समझ, ठीक है। ये तीसरी एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन थी एसिडिटी, दूसरी एप्लीकेशन थी कीटो इनॉल फॉर्म, तीसरी एप्लीकेशन है आपकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। समझ गए? 3 एप्लीकेशंस आज हमने बहुत अच्छी तरीके से करी है। अब आपके सामने है ये क्वेश्चन, ये देखो इसमें क्या लिखा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन आर। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं फिर से बता देती हूँ कि बच्चा ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। कैसा है? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अब इसमें भी सेम चीज अप्लाई करनी है, मैं थोड़ी हिंट दे रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप रैंक प्लस से जुड़ते रहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मैं हिंट दे रही हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्या है कि फिर से ये दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कैसा हो गया? इनॉल ग्रुप। इनॉल को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकती हूँ। OH माइनस क्या होता है? OH माइनस इज योर बेस। ये बहुत, जो भी बेस होता है वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जाता है, एक H प्लस लेके जाएगा, पर यहाँ पे दो इक्विवेलेंट है तो ये दोनों के दोनों H प्लस लेके जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब B कंपाउंड आपको बताना है, क्या वो एरोमेटिक होगा, क्या रिएक्शन स्लो होगा। स्लो और फास्ट रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज स्टेबल बन रही है तो रिएक्शन होगा फास्ट, कोई चीज अनस्टेबल बन रही है तो वो रिएक्शन होगा स्लो। मतलब कि अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो क्या होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन जल्दी नहीं होगा। तो टॉटोमेरिज्म क्या यहाँ दिखता है, और बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसीन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। वंस अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे अटेम्प्ट करना है हिंट दे दी है, बट स्टिल आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए टू सॉल्व। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू नो द ड्रिल, कि आपको ऐसा कॉन्टेंट जहाँ पे एकदम डिटेल में हर तरीके के एप्लीकेशंस, पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ा के उसकी एप्लीकेशंस पढ़ाए, और आपको इसी प्रकार के और 15-20 एग्जाम्पल्स करने हैं ताकि आपकी एकदम परफेक्ट रैंक आ पाए। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल रैंक प्लस को ज्वाइन करना है। एंड एक और क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज वंस अगेन सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू टू सी। यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। बेसिसिटी, अभी एसिडिटी ऑर्डर किया था, बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। थोड़ा सा बेसिसिटी में भी आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि बेसिसिटी में क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, राइट, लोन पेयर्स होते हैं। तो जो लोन पेयर डोनेट कर देता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, कैपेसिटी, केपेबिलिटी, केपेबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको बोलते हैं बेसिसिटी। मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा वो क्या होगा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड। जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा वो होगा लीस्ट बेसिक कंपाउंड। बेसिसिटी क्या है, जो सबसे ज्यादा जल्दी डोनेट कर दे अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, है ना। अब ये किस प्रकार से डोनेट करेंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लास्ट वाला थोड़ा बहुत सेम क्वेश्चन हमने किया है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा अप्लाई करने के लिए बता रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके बता देती हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वहां पे क्या है, आपके पास एक इस प्रकार की रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, कौन सा डोनेट करेगा। तो जब भी डोनेशन की बात आ जाती है ना बच्चा, तो याद रखना जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना कम डोनेट करता है। समझ आई? जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख रही हूं मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर शायद कार्बन यहाँ पे लिख दो। सिर्फ इन्हीं के बीच की मोस्टली पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको पीरियोडिक टेबल से आना चाहिए, ठीक है। जितना जितना इस साइड जाती जाती है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाती जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखता है, वो जाने नहीं देता, मोर स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रांगली अपने आप में होल्ड करके नहीं रखता, इसे जाने देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं देगी। नाइट्रोजन यहाँ पे दे देगी, राइट। तो नाइट्रोजन यहाँ पे मेन बनेगी डोनेशन का जरिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट क्या मुझे बताओ ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो लोन पेयर है किससे अटैच्ड है, मैंने बोला था जब भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर साथ में आ जाते तो लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन एरोमैटिसिटी। बताई थी ये चीज मैंने कि जब भी लोन पेयर्स कैसे आ जाते हैं आपके डबल बॉन्ड के साथ, तो वो एरोमैटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये वाला देखो, यहाँ पे इसके जो लोन पेयर्स हैं NH2 के, क्या करेंगे ये वाले लोन पेयर्स बच्चा रेजोनेंस में जाएंगे, विद द बेंजीन रिंग। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में जाने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे रेजोनेंस में जा रहे हैं तो अवेलेबिलिटी की कम हो रही है, इजंट इट। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे एरोमैटिसिटी में, तो ये क्या अवेलेबल है टू डोनेट। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, यहाँ पे इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख देती हूँ अवेलेबल टू डोनेट, है कि नहीं, क्योंकि ये एरोमैटिसिटी में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब रिंग के अंदर घूम नहीं रहे हैं, तो इसीलिए डोनेट हो सकते हैं। ये वाले क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग गए, तो फिर से डोनेशन कम हो जाएगा। अब ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से ये तो फॉर श्योर किस में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन एरोमैटिसिटी, तो ये एरोमैटिसिटी में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी क्या बन रहा है, तभी ये बनेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर विच इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमैटिसिटी। तो ये तो लीस्ट अवेलेबल हो गई इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये चीज समझ आई, थ्योरी समझ आई। सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन करने वाला इलेक्ट्रॉन, मुझे तो लग रहा है ये वाला करने वाला है कि नहीं, क्योंकि इसके दोनों के दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा अवेलेबल है फर्स्ट सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा इन बेसिसिटी, आराम से दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड क्या है, सेकंड फिर होगा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला कैसा है कि या तो भाई अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। फिर होगा थर्ड, और फिर होगा आपका फोर्थ। समझ आया, मतलब फर्स्ट वेरी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो वो मोस्ट बेसिक है। सेकंड उसके बाद आता है, क्योंकि ये किसमें है तो डबल बॉन्ड से अटैच ना लोन पे, तो थोड़ा सा इससे कम हो जाता है, राइट, पर ये अवेलेबल टू डोनेट है, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर थर्ड नंबर पे तो भैया जी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए अब ये जो डोनेट कर सकते हैं बेसिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स वो और कम हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे देखो, ये तो भैया जी एरोमैटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे, तो मतलब पूरा का पूरा ये तो कभी डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स, केवल एरोमैटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस इज द लीस्ट बेसिक। तो ये क्या है, मोस्ट बेसिक टू लीस्ट बेसिक का ऑर्डर है, मोस्ट टू लीस्ट किसका ऑर्डर है ये, बेसिसिटी का। बेसिसिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड द फिनोमिना। तो आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे एरोमैटिसिटी की एप्लीकेशन। सबसे पहले एसिडिटी में, नेक्स्ट देखी डाइपोल मोमेंट में, थर्ड देखी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में, फोर्थ देखी हमने फिर से बेसिसिटी ऑर्डर में। 4 तरीके की एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और बाकी कुछ ट्रिपिकल ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि ये है, ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने किया था, एंड ऐसे और क्वेश्चंस आपको करने और एप्लीकेशंस जाननी है, ऐसे क्वेश्चंस करते रहने हैं। तो वंस अगेन यू कैन फाइंड आउट, यू कैन जॉइन द रैंकप्लस टीम, एंड देयर इज वन मोर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज। द क्वेश्चन इज Which of the following compounds will show highest dipole moment? ये तो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए आंसर, बहुत इजी। मैंने आपको बताया डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है, डाइपोल में जो टूटते हैं, देखो 2018 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। डाइपोल में टूटने का क्या मतलब है, ये कैसे टूटेगा, मैं फिर से बता देती हूँ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी तोड़ के देखिए कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाने वाला है, डाइपोल मोमेंट। आंसर तो सभी को सामने दिख रहा है, बट आपको सभी तोड़ तोड़ के देखने हैं, एंड सही जवाब जानने के लिए आपको क्या करना है, रैंकप्लस की ऐप डाउनलोड करनी है फ्रॉम द प्ले स्टोर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. And to do more such questions, don't forget to follow Rankplus. Don't forget to join the Rankplus team, जहाँ पे आपको बहुत डिटेल में इसी प्रकार से सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट के बाद उसकी सारी एप्लीकेशंस जिस प्रकार की एग्जाम में पूछी जाती है उसी प्रकार से आपको इस कोर्स वर्क में सिखाया जाएगा। अगर आपको Rankplus टीम से पढ़ना पसंद है तो आज ही ज्वाइन कीजिए रैंकप्लस टीम। दिस इज द एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 9116300300। यहाँ पे जाके आप सारे एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज दे सकते हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करें या फिर सीबीएसई की तैयारी करें। ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल, दीज आर द फीस फॉर द कोर्सेज। That is it from my side. Thank you so much. Bye bye.